So Tushar Mehta, appointed as new Solicitor General of India. बात यही है कि Solicitor General जो होते हैं वो second highest law officer of India. Solicitor General मतलब होता ही है कि second law officer India का है. तो पहला law officer of India आपके हो गया Attorney General. Article 76 of Indian Constitution talks about Attorney General of India. Attorney General is the highest law officer of India. Solicitor General is the second highest law officer of India. तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि 76 आर्टिकल में Attorney General आता है और Solicitor General आता है. सॉलिसिटर जनरल का कोई आर्टिकल वगैरह रिलेटेड नहीं है अभी. हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल में? 76. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया. सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया. और हम लोग बात कर रहे हैं तुषार मेहता. तुषार मेहता जो है अटॉर्नी जनरल, क्या कहते हैं, सॉलिसिटर जनरल. ठीक, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, भाई सॉलिसिटर जनरल अभी कौन अपॉइंटमेंट लिया? तो तुषार मेहता. एक लाइन बस याद रखना है, तुषार मेहता जो है सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिस को अज्यूम किए हैं. और सेकेंड चीज आपको याद रखना है, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल है. ठीक है, क्लियर हो गया तुषार मेहता. तो सॉलिसिटर जनरल सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर पता चल गया, और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन हो गया आपका? अटॉर्नी जनरल. अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में? 76. इतना बस, और कुछ नहीं. ये न्यूज में था. और इधर भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि भाई जो अटॉर्नी जनरल है इसके बारे में बताता हूँ, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया के हैं. और ये पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग होगा लोकसभा राज्यसभा में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते. सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पर बैठ सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते. और क्या है, और बात यह है कि अटॉर्नी जनरल जो है पूरे भारत में जितने भी कोर्ट है वहाँ पे ऑडियंस बन सकते हैं, बैठ सकते हैं. ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. तो अटॉर्नी जनरल सारे कोर्ट में भी बैठ सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा बैठ सकते हैं. ठीक है, और क्या है इनका आर्टिकल 76, इतना है, और कुछ चाहिए नहीं चाहिए. ठीक है, क्लियर हो गया तो बात. अभी चलते हैं, अभी एक चीज़ लिखिए, छोटू राम. छोटू राम न्यूज में था. तो छोटू राम का एक स्टैचू, 64 फीट का स्टैचू जो होता है, 64 फीट का वो स्टैचू अनवील किया गया है छोटू राम का. तो ये छोटू राम जी कौन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. ये 1881 में जन्म लिए थे, नवंबर 24 को, ये ज़रूरत नहीं. ये हरियाणा पंजाब के हैं. ठीक है, उनका डेथ हो गया 1945 में. ये जो है पीजेंट रिवॉल्यूशन, मतलब जो फार्मर्स का जो इंटरेस्ट था, फार्मर्स का डिमांड को, फार्मर्स का जो मूवमेंट था, पीजेंट का जो मूवमेंट था, उनका वो लीड रोल लिए थे, लीड रोल लिए थे. तो इसके चक्कर में ये ब्रिटिश टाइम में इतना लीड लिए थे, इसलिए इनको इज्जत देने के लिए एक स्टैचू बन रहा है. कुल मिला के आपको ये चीज़ याद रखना है, छोटू राम जी पंजाब के रहने वाले थे और ये ब्रिटिश टाइम में पीजन मूवमेंट के लिए काम किए थे. ठीक है, किसानों के राइट्स के लिए. तो इसलिए इनको आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बहुत साल बाद इनका एक स्टैचू बनाया, कहाँ पे? हरियाणा. उसी समय पंजाब था, अभी पंजाब हरियाणा दो हो गया है, ठीक नहीं? मतलब कुल मिला के ये है कि छोटू राम जी जो थे पीजेंट राइट्स के लिए ये किए थे. तो
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। छोटे राम जी की स्टैचू हरियाणा में बनाए। आगे बढ़ते हैं, ये पहले सुन लीजिए फिर हो जाएगा धीरे धीरे। छोटे राम हो गया और आपको सॉलिसिटर जनरल भी हो गया, सेकेंड हाइस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया बोल दिया, अटॉर्नी जनरल जो है पहला लॉ ऑफिसर भी बता दिया, कौन से आर्टिकल में पता चल गया, इतना चीज़ और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो दो चीज़ आपको ध्यान रखना है अभी अभी, एक छोटू राम और एक सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल जो है सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, अभी अभी मैंने बताया। हाँ, तो तुषार मेहता ध्यान रखना है। ठीक है, तुषार मेहता मैंने बता दिया। अभी नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अभी आपको पता होगा जस्टिस रंजन गोगोई, रंजन गोगोई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। देखिए, इससे पहले दीपक मिश्र जी 45 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये अभी बन गए 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? रंजन गोगोई। तो टाइटल से पता चल रहा है ये नॉर्थ ईस्टर्न के होंगे, है कि नहीं, आसाम के होंगे, पता होगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, जस्टिस रंजन गोगोई बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 46 चीफ जस्टिस। ये किसको सक्सीडेड किए? दीपक मिश्रा जी को। ठीक है, और इनका कार्यकाल कोई जरूरत नहीं, आपको बस एक लाइन याद रखना है, जस्टिस रंजन गोगोई जो है आपका 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो एक लाइन लिख लीजिए, जस्टिस रंजन गोगोई बिकेम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी बात करना है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में, आप लिखिए आर्टिकल 124 CJI, आर्टिकल 124 CJI। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में? 124। आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जस्टिस रंजन गोगोई, क्लियर हो गया ये चीज़ें ना? क्लियर नहीं हुआ, कौन से आर्टिकल में चीफ जस्टिस इंडिया है? 124। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में हाईकोर्ट है? 214। तो आप लिख सकते हैं आर्टिकल 124 - सुप्रीम कोर्ट और 214 हाई कोर्ट। ओके, ये चीज हो गया। अभी बात करना है गीता गोपीनाथ। देखिए, इंडियन अमेरिकन गीता गोपीनाथ जो है वो चीफ इकोनॉमिस्ट IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के जो चीफ इकोनॉमिस्ट जो अभी अपॉइंटमेंट पाए हैं, उनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ जो है वो चीफ इकोनॉमिस्ट बने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के। जैसा कि पता होगा जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, जैसे वर्ल्ड बैंक है वाशिंगटन में, IMF भी वाशिंगटन में है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वो न्यूयॉर्क में है। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो होता है, इसका अभी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बना? गीता गोपीनाथ। बस नाम ही सफिशियंट है, गीता गोपीनाथ जो है इंडियन बॉर्न इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, तो इंडियन बॉर्न इकोनॉमिस्ट कौन बना? गीता गोपीनाथ, बस इतना। ये जरूरत नहीं कि वहाँ ये कहाँ पे प्रोफेसर थे, कहाँ के रहने वाले, ये इतना जरूरत नहीं। बस आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने? गीता गोपीनाथ। ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पर्सन एंड न्यूज, मतलब कौन आदमी किस पोस्ट में अपॉइंटमेंट लिया, इसके बारे में बस। हाँ, चलिए अभी बात करते हैं। DG अभी बने हैं सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल जो है 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ का जो
डीजी जो डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल जो भी बोले, एक आईपीएस ऑफिसर, सीनियर आईपीएस ऑफिसर बने हैं एसएस देसवाल, एसएस देसवाल डीजी बने हैं सशस्त्र सीमा बल के। सशस्त्र सीमा बल के कौन बने डीजी? एसएस देसवाल। और मैं आपको बताता हूँ, सशस्त्र सीमा बल जो है 1963 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये इंडिया का सेंट्रल आर्म फोर्सेस का एक हिस्सा है और ये बॉर्डर को जो है सिक्योरिटी कहते हैं। ऐसे में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है जो 1965 में बना था। ये आपको याद रखना है, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल कब बना था? 1963 में। और अभी इसका डीजी बन गए हैं एसएस देसवाल। तो एसएस देसवाल बस याद रखिए, एक लाइन छोटा सा करके लिख लीजिए, एसएस देसवाल। तो एसएस देसवाल जो है किसका डीजी बने हैं? सशस्त्र सीमा बल। और सशस्त्र सीमा बल जो है हमारे जो भारत के जो फ्रंटियर है, जो सीमा है, ऐसा बोल सकते हैं आप, बॉर्डर है। तो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए दो है, एक तो हो गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एक हो गया आपका सशस्त्र सीमा बल, ठीक है? ये दोनों है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें सशस्त्र सीमा बल जो 1963 में बना है, हाँ, ये जो है इसका डीजी आपको याद रखना है आपका एसएस देसवाल, बस एसएस देसवाल। अभी एक इम्पोर्टेंट बात आ गया, बीएसएफ। अभी भी हम लोग बात कर रहे थे बीएसएफ 1965 में बना है। तो भाई साहब, ये जो आईपीएस ऑफिसर एक हैं रजनीकांत मिश्र, रजनीकांत मिश्र जो है वो डायरेक्टर जनरल या डीजी बन गए हैं बीएसएफ का। अभी दो डीजी नए अपॉइंटमेंट लिए हैं, एक हो गया आपका एसएसबी का सशस्त्र सीमा बल, उनका नाम है एसएस देसवाल। तो इनका जो बात हो रहा है, रजनीकांत जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी बने हैं। दो आदमी को आपको याद रखना। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है 1965 में एस्टेब्लिश हुआ था, जब इंडो पाकिस्तान वार हुआ था। इंडो पाकिस्तान वार के टाइम पे इनका रोल बहुत था, ठीक है? तो इंडो चाइना वार जो 1962 में हुआ, उसके बाद ये बना है भले ही, लेकिन 1965 में क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, ठीक है? ये चीज़ गलत नहीं करना है कि 1965 में चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार हुआ था। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, रजनीकांत मिश्र जो है वो क्या बने हैं? बीएसएफ का डीजी बन गए, ठीक? बस बीएसएफ का डीजी कौन बना? रजनीकांत मिश्र। इतना सा बीएसएफ का डीजी लिख लीजिए, बीएसएफ डीजी रजनीकांत मिश्र, इतना काफ़ी है। और बीएसएफ बना 1965 में, इतना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर। अभी हुआ अनिल कुमार चौधरी जो है न्यू चेयरमैन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बने, सेल SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनका जो चेयरमैन है अनिल कुमार चौधरी बने। तो अनिल कुमार चौधरी जो है न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का चेयरमैन बने हैं। और जैसा कि पता होगा ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी होता है इंडिया का, ठीक है? तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अभी सेल का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पे है। और जैसा कि पता होगा हमारे जो स्टील प्लांट है भिलाई में है, ठीक है? दुर्गापुर में है, कोई नहीं, दुर्गापुर यूके गवर्नमेंट ने हेल्प किया था तो दुर्गापुर में बन गया। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी ने हेल्प किया था, और बोकारो है रशिया हेल्प किया था। ये कौन हेल्प किया था इतना ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ पे याद रखना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन बना है अनिल कुमार चौधरी, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1954 में बना है। और दो चार स्टील प्लांट कहाँ पे है ये चीज़ ध्यान रखना है, राउरकेला में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, और आपका बर्नपुर में भी है और भिलाई में भी है। कुल मिला के यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अनिल कुमार चौधरी वो चेयरमैन बने हैं, इतना काफ़ी है, ठीक है? और सेल बना था 1954 में, ठीक है? हाँ, और सेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, ठीक है?
और कहीं के भी बन सकता है। सालेम स्टील प्लांट जो है तमिलनाडु में है, ये सालेम, ये भी अभी वहाँ पे भी स्टील प्लांट है, भद्रावती है, ये बहुत सारे जगह है। तो कुल मिला के हमारा पर्पज है कि इसका पर्सन न्यूज बात कर रहे हैं, इसलिए पर्सन कौन है, अनिल कुमार चौधरी। ठीक है, अनिल कुमार चौधरी हो गए, वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो क्या क्या चेयरमैन है। अभी आराम से लिखिए, अभी एटॉमिक एनर्जी कमीशन बहुत इम्पोर्टेंट है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC, इनका चेयरमैन अभी बने हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। कमलेश करके भी याद रख लेंगे तो हो जाएगी। तो कमलेश नीलकंठ जो बने हैं, कमलेश नीलकंठ व्यास, वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन अभी बने हैं। ठीक, ये एक साइंटिस्ट हैं, जाहिर सा बात है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरमैन बनेंगे वो साइंटिस्ट होंगे। और मैं बताता हूँ यहाँ पे जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो डायरेक्टली किसके अंडर है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। आराम से याद रखिए, एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर उनका देखभाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो चेयरमैन होंगे, भले ही और कोई होगा, लेकिन ये डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर के अंडर रहेगा। तो इसका चेयरमैन आपको याद रखना है कमलेश नीलकंठ व्यास, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, ये चीज़ भी लिख लीजिए। दो तीन चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, एक हो गया 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना, और इसका जो चेयरमैन है कमलेश नीलकंठ व्यास याद रखना, और एक चीज़ याद रखना, ये कौन से किसके अंडर आता है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है। बस हो गया, ठीक। और ये कब बना था तो पता है, 48, ये आसान सा चीज़ है। बात ये, मैं थोड़ा सा पता है तो भारत का जो एटॉमिक रिलेटेड जितने भी रिसर्च वगैरह चीज़ें होता है, हाँ, ये बहुत बड़ा रिस्की व्यापार है, तो इसको प्राइम मिनिस्टर के अंडर रखे हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, तो इसको इसलिए डायरेक्ट किसके चार्ज में रखे हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंदर। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का हिस्सा है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का हिस्सा कौन है, AEC। DAE का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE, इसके अंदर आता है AEC। AEC किसके अंदर आता है, प्राइम मिनिस्टर। इनका अभी चेयरमैन जो बना है कमलेश जी बने हैं। ठीक है, ये 48 में बना था। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं, धीरे धीरे समझिए, हो जाएगा सारे। और रंजन गोगोई तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, असम के रहने वाले हैं। अभी क्या करना है, एथिक्स कमिटी के बारे में बात करना है। देखिए, एथिक्स कमिटी लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी है। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एथिक्स कमिटी का चेयरमैन कौन है, इनका नाम है LK आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी जो सीनियर BJP लीडर हैं, इनको चेयरमैन ऑफ एथिक्स कमिटी बना दिया गया। और मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, एथिक्स कमिटी जो है लोकसभा में 97 में बना था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैं अभी एक चीज़ बताता हूँ, एथिक्स कमेटी लोकसभा में कब बना था और राज्यसभा में कब बना था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 97 में है या 2006 में है, जो भी है, हम लोग अभी बात कर लेंगे। ठीक है, 97 में लोकसभा में बना है। ठीक है, राज्यसभा में भी एथिक्स कमेटी है, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद रखना है कि भाई एथिक्स कमेटी का कौन है अभी चेयरमैन, आडवाणी जी। ये चीज़ हो गया, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी रीजनल डायरेक्टर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, उनका बने हैं डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, वो रीइलेक्टेड हुए हैं, पहले से भी थे। बस एक लाइन लिखिए, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह इलेक्टेड, रीइलेक्टेड आज रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO's
साउथ ईस्ट एशिया रीजन, इतना सा बस। ये लाइन बस आपको याद रखना है। पूनम खेत्रपाल सिंह, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है कब बना था, 1948 में। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, साउथ ईस्ट एशिया रीजन का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पार्ट है वो कब बना था, 1948 में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी पाकिस्तान का अभी न्यूज आया था, डॉक्टर आरिफ अलवी जो है 13th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए। बस एक लाइन लिख लीजिए, डॉक्टर आरिफ अलवी जो है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बने, इतना सा बस और कुछ नहीं। ठीक है, आरिफ अलवी लिख लिया आप लोग, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अभी बने, बस इतना सा। उसमें अभी एक पॉइंट और लिखना है, मैं बता रहा हूँ, ये आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, अभी न्यूज़ में है जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल नहीं थे कॉफी अनन, उनका डेथ हो गया है, ये आपको याद रखना है। ये था पहला ब्लैक अफ्रीकन कॉफी अनन टू बिकम सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। बस पर्सन से न्यूज में बस ये सब याद रख लेंगे तो हो जाएगी। ठीक है, आप लिख लीजिए।